रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में डीआईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर राजेश मोदक डी राव और एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने आगामी खिचड़ी मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में डीआईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर राजेश मोदक डी राव ने बताया कि 14 जनवरी से शुरू होने वाला गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है। इनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए आज की एक बैठक रखी गई थी। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को सकुशल इस मेले को संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी, सीओ बासगांव नितेश सिंह, सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह, सीओ गोला श्याम देव और सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर राजेश मोदक डी राव ने कहा। कहेंगे कि आप दो दिन का पैसा इनको दे दो, आपके पास इतना आता है पैसा क्यों, मतलब पुलिस इसमें क्यों हो रही है। पंडाल जो बनेंगे उसमें उतारते हैं जूते, उतारते पड़ेगी कि जो मंदिर के मुख्य गेट से पहुंचने से पहले पंडाल जहाँ खत्म हो रहा है, जहाँ पंडाल शुरू हो रहा है, पंडाल खत्म होने के बाद एक ड्यूटी स्पेसिफिक रहेगी। गीता जब उतार के चढ़ा वरना तो मंदिर में घुसते हुए उतार गया, क्यों आज खिचड़ी मेला के संबंध में बैठक हमने पुलिस लाइन में रखी थी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी 14 जनवरी को खिचड़ी मेला गोरखपुर का सबसे इम्पोर्टेंट त्योहारों में से एक ये है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है उस मेले के दौरान, और पुलिसिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको अभी से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसी को देखते हुए एसएसपी और उनके जो सभी ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक बैठक रखी गई थी कि कोऑर्डिनेशन बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे करना है और क्या क्या काम करवाना है, तो उसका एक फॉलोअप था। आज बहुत भीड़ रहती है लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जो भी उसमें टेक्नोलॉजिकल और बाकी रिसोर्सेज का यूज़ होना है उन सभी को यूज़ करते हुए बेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट्स लोगों के लिए किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।